हेलो फ्रेंड्स, मैं शक्ति राठौर, श्री श्याम इलेक्ट्रोसिस्टम, जयपुर राजस्थान से। आज मैं आपको हैंडहेल्ड बस टिकट मशीन का डेमो करवाऊंगा। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी रूट पर ये डिवाइस को भेजना रहता है वो हमें डिवाइस में सेलेक्ट करना होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से कंप्यूटर एप्लीकेशन से सेंड किया हुआ है इसमें रूट। तो सबसे पहले हम रूट बटन प्रेस करते हैं। यहाँ हम फोर ऑप्शंस देख रहे हैं, सेलेक्ट रूट, प्रिंट सेलेक्टेड रूट, प्रिंट लोडेड रूट एंड चेंज डायरेक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रूट सेलेक्ट के लिए प्रेस वन, कि कौन सा रूट अपने को इसमें से सेलेक्ट करना है, रूट नंबर वन एंड फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ का रूट है ये। और भी अगर इसमें कुछ रूट लोडेड होते हैं तो ये बी एंड सी अप एंड डाउन की से आप अप और डाउन करके देख सकते हैं। जो भी अपना रूट सेलेक्ट करना रहता है वो मेन स्क्रीन पर रख कर जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ हमें एक स्क्रीन शो होता है, प्रेस वन फॉर अप ट्रिप एंड प्रेस टू फॉर डाउन ट्रिप। यहाँ मुझे जो भी डायरेक्शंस में बस जा रहा है उस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ट्रिप क्रिएट करना होता है। सो प्रेस वन फॉर अप ट्रिप, ये ट्रिप क्रिएटिंग हो रहा है। ओके, तो अभी ये ट्रिप क्रिएट हो चुका है और डिवाइस टिकटिंग के लिए रेडी है। ये आज का करंट डेट एंड करंट टाइम चलता रहता है। यहाँ पी जो पैसेंजर बस में अवेलेबल होते हैं वो यहाँ अपने को शो करेंगे और जो उतर गए इस पर्टिकुलर ट्रिप में वो यहाँ शो होता रहेगा। अभी नो टिकट्स इन ATM, तो अभी कोई भी टिकट अभी नहीं कटा हुआ इसमें। और ये 001 स्टेज अभी सिलेक्टेड है अपना। सो मैं कोई भी अगर मुझे टिकट करना है देन टिकट बटन प्रेस करेंगे, डी पर टिकट बटन। जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ 001 एंड HMS टाउन, ये यहाँ से टिकट कटने वाला है। और कितना पैसेंजर है ये मुझे यहाँ लिखना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ वन रहता है। सपोज़ जैसे टू पैसेंजर है, एक 001 स्टेज से टू पैसेंजर जा रहे हैं, देन एंटर। और यहाँ नेक्स्ट स्टेज आ जाता है अपने पास में और उसका किराया भी शो हो जाता है। तो जो भी मुझे यहाँ स्टेज जहाँ जाना रहता है पैसेंजर को वो सेलेक्ट करना रहता है। सपोज दैट नंबर थ्री पर कोई स्टेज है वहाँ जाना है, तो ये बी बटन से बी एंड सी अप एंड डाउन, ये इससे अप एंड डाउन करेंगे। जैसे जैसे स्टॉपेज चेंज होता जाएगा वैसे किराया भी ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। सपोज मैं टिकट बनाना जा रहा हूँ हनुमानगढ़ टाउन से TB, ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, दो पैसेंजर है एंड 34 रुपीज़ इसका किराया है। अभी अगर जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा इस स्क्रीन पर तो टिकट बन जाएगा और डिवाइस में भी सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जैसे ही एंटर किया तो ये रिसिप्ट बन गया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बस सर्विस नेम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लोकेशन फुटर भी आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें टिकट नंबर, डेट, टाइम, कहाँ से कहाँ जाना है, किलोमीटर जर्नी, टोटल पैसेंजर, पर पैसेंजर फेयर एंड टोटल अमाउंट। यहाँ इसमें कंडक्टर, ड्राइवर, वे बिल नंबर एंड ATM डिटेल भी इसमें मेंशन होता है। सो मैं इसको निकाल देता हूँ। अगेन एक और टिकट बनाते हैं, जैसे टिकट, कितना पैसेंजर है, अगेन थ्री पैसेंजर, देन एंटर। अब कहाँ जाना है वो मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ बी और सी से मैं अप डाउन कर लूँगा, या अगर मुझे सपोज दैट ये कोड अगर पता है कौन से कोड पे कौन सा स्टॉपेज है तो डायरेक्ट कोड से भी मैं टिकट कर सकता हूँ। जैसे मैं मेन स्क्रीन पे वापस जाता हूँ, एस्केप, देन अगेन टिकट बटन प्रेस करता हूँ और दो पैसेंजर है, देन एंटर। देन मुझे जाना है नाइन नंबर पर, ये कोड है उसका, ऑटोमेटिक किराया यहाँ शो हो गया, तो 1 to 9 हो गया। देन मैं इसका भी टिकट बना देता हूँ। जैसे ये टिकट बना तो इसका टिकट भी आ गया है, आप देख रहे हैं अभी 2-4 यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैंने दो टिकट बनाए हैं, दो दो पैसेंजर के, तो 4 पैसेंजर यहाँ पर शो हो रहा है कि 4 पैसेंजर अभी बस में अवेलेबल है, अभी कोई भी उतरा नहीं है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ कंटिन्यूस टिकटिंग करते रहेंगे।
और जैसे ही बस जो है वो नेक्स्ट स्टॉपेज पे मूव करेगा या वहाँ पहुँचेगा, तो हम लोग डिवाइस में भी जो है वो नेक्स्ट स्टॉपेज यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, जैसे स्टेज बटन एंड ये टू नंबर दो स्टेज पर अभी बस पहुँच गया, देन एंटर करेंगे। अभी जो भी टिकट कटेगा वो नंबर दो स्टेज से कटेगा, जैसे टिकट ये दो नंबर स्टॉपेज से कट रहा है, सेम वही सीक्वेंस से अपन टिकट निकालते रहेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर एक ही है, देन एंटर, कहाँ जाना है वो सेलेक्ट कर लेना है मुझे यहाँ से, देन एंटर करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा इसका टिकट निकल जाएगा, ओके। और ये इसी से आप टिकट बना सकते हैं फुल पैसेंजर का, सपोज दैट अगर हाफ पैसेंजर का टिकट बनाना है देन प्रेस शिफ्ट बटन, यहाँ ये फुल की जगह हाफ हो गया, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। कितना हाफ रहता है ये, जैसे दो हाफ है या एक सिंगल हाफ ही है, देन एंटर, और कहाँ जाना है उसको, ये किराया भी जो है उसका हाफ किराया जो भी आपका रहेगा वो किराया इसमें बन के आ जाएगा। मुझे यहाँ जाना है टिब्बी, देन जैसे ही एंटर करेंगे ये इसका हाफ टिकट जो है वो बन गया है, ओके। और अगर फुल के साथ में अगर कोई हाफ टिकट रहता है, जैसे ही फुल फुल हो गया, फुल दो है एंड उसके साथ में ही एक हाफ है, देन अगेन टिकट बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ दो फुल और एक हाफ हो गया, देन एंटर, और कहाँ जाना है सेम वही मुझे सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही स्क्रीन पे एंटर करूँगा तो इसका टिकट भी बन जाएगा, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टॉपेज बार बार हम स्टॉपेज जैसे जैसे बस नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुँचेगी वैसे यहाँ अपना स्टॉपेज सेलेक्ट करते रहेंगे। जैसे अभी यहाँ आ गया, तो जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो अब जो भी है टिकट कटेगा वो सिक्स नंबर स्टेज से बनेगा, ये देखिए, ओके। तो ये टिकटिंग का प्रोसेस था। अभी हमें देखना है कुछ कंसेशंस के, अगर टिकट हमें बनाने हैं जो कंसेशन आप लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कंसेशन बटन जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ मुझे लिस्ट मिल जाता है कंसेशन का, ये मैंने कुछ डमी कंसेशन डिस्काउंट 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट 30% के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो जो भी मुझे अगर डिस्काउंट 20% का अगर टिकट बनाना है देन प्रेस ई, और अब जो भी रहेगा कहाँ जाना रहेगा पैसेंजर को वो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो 20% डिस्काउंट होने के बाद में ये यहाँ किराया शो हो गया। और इसी का जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक ये देख रहे हैं आप, इसका 20% डिस्काउंट यहाँ पर मेंशन हो गया है और ये इसका किराया है, ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ सिक्स नंबर स्टेज किया तो तीन पैसेंजर कोई सिक्स स्टेज से पहले थे वो उतर चुके हैं और तीन ही अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। तो इस तरीके से आप ये फुल टिकट फुल के साथ में हाफ टिकट ओनली हाफ टिकट, नेक्स्ट स्टेज पर अगर जंप करना रहेगा देन नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपन रिपोर्ट्स भी इससे देख सकते हैं कि अभी कितना क्या कलेक्शन हुआ है पर्टिकुलर ट्रिप वाइज, देन रिपोर्ट बटन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ बहुत सी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, ट्रिप सीट है, स्टेटस रिपोर्ट है, टिकट डिटेल है, कलेक्शन रिपोर्ट है, स्टेज वाइज है, ये सब आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक कलेक्शन रिपोर्ट निकालता हूँ, कलेक्शन रिपोर्ट जी पर है तो जी प्रेस करेंगे तो यहाँ मुझे शो होता है कि कितना क्या कलेक्शन था और कितना एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस अभी कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए एक एक्सपेंसेस बुक करते हैं। यहाँ फंक्शन मेन्यू में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ अपन देखते हैं बहुत से एक्सपेंसेस भी दिया हुआ, जैसे डीजल एंट्री है, बस स्टैंड फ़ी है, नाइट आउट फ़ी है, रिफ़ंड टिकट है, पेमेंट है। जैसे अगर स्टैंड बुकिंग अगर कुछ भी होता है तो मैं एक स्टैंड बुकिंग का निकालता हूँ, जैसे पी बटन प्रेस करूँगा तो उसका जो भी एक डॉक्यूमेंट नंबर जो रहता है, सपोज़ 123 मैंने एंटर किया और कितना अमाउंट था उसका 50 रुपीज़, देन एंटर, तो उसका टिकट भी बन चुका है। अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ जी कलेक्शन रिपोर्ट में तो 50 110 का कलेक्शन हुआ जिसमें से 50 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया कंडक्टर से। और इसी की रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं अपन, एंटर, तो यहाँ भी मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ओल्ड ट्रिप का रिपोर्ट निकालना है, करंट ट्रिप का निकालना है या सिलेक्टेड ट्रिप का निकालना है। चलिए मैं ओल्ड ट्रिप करता हूँ, जितने भी इसमें ट्रिप लगे रहेंगे वो उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी ओल्ड ट्रिप के लिए। यहाँ ये देख रहे हैं आप,
ये इसकी डिटेल्स मिल गई है, कलेक्शन रिपोर्ट, पर्टिकुलर ट्रिप कितने बजे स्टार्ट हुआ, बस कब स्टार्ट हुई, कहाँ से कहाँ का टिकट है, कितना नंबर से टिकट निकला, क्या फुल हाफ क्या क्या है, वो सब डिटेल्स इसमें मिलता रहेगा। और ये भी देख रहे हैं आप, कलेक्शन 110 रुपये हुआ था, 50 रुपये एक्सपेंसेज होने के बाद में 60 रुपीज़ जो है वो कंडक्टर के पास में बैलेंस रहता है। मैं इसको भी निकाल देता हूँ। सेम इसी तरीके से जब बस रिटर्न जैसे ही आती है अपने रूट से, तो मुझे यहाँ चेंज डायरेक्शन करना होता है। अभी ये आप देख रहे हैं एरो की HMH2ELE EL, ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ के लिए है। अभी मैं डाउन, जैसे ही बस जैसे ही रिटर्न होती है तो रूट का बटन दबाते हैं और चेंज डायरेक्शन जैसे ही करते हैं 4 नंबर पर, यहाँ देख रहे हैं प्रेस 2 फॉर डाउन ट्रिप। तो जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा तो वो ट्रिप क्रिएट होने लगेगा, डाउन ट्रिप हो रहा है। ओके, ये रिटर्न हो गया है। अभी जो भी अपना टिकट कटेगा वो लास्ट टू फर्स्ट ऐसे ऐसे डाउन करते अपन चलते आएंगे, कहाँ का उसको जो भी टिकट चाहिए है उसी हिसाब से ऑटोमेटिक फेयर भी जनरेट हो जाता है। तो ये अपन टिकट कर सकते हैं टिकट मशीन से। सो और भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें अवेलेबल हैं, जैसे टोल एंट्री है, टॉप अप है, साथ ही ये GPRS एनेबल डिवाइस है एंड RFID फंक्शंस भी इसमें अवेलेबल है, जिससे स्मार्ट कार्ड के जरिए आप स्मार्ट कार्ड इशू करके आप उससे भी टिकट बनवा सकते हैं। यही डेटा आप SMS के रूप में भी आपको टिकट मिल सकता है, या आपको GPRS में ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन पर भी ये डेटा जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड थैंक यू।